कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन 3 लागू है, जिसके चलते लोग घरों में कैद हैं। ऐसे में सरकार गरीब और मजदूरों के लिए राशन सामग्री घर घर तक पहुंचा रही है, लेकिन यूपी के मुजफ्फरनगर में अधिकारियों ने गरीबों के खाद्यान्न में ही घोटाला कर दिया है। क्वारंटाइन किए गए लोगों के लिए घटिया खाद्यान्न सामग्री भेजी गई है, वो भी संख्या के हिसाब से पूरी नहीं भेजी गई। इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब नोडल अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान इसका खुलासा किया और तत्काल प्रभाव से निजी संस्था का टेंडर खत्म कर फ्लोर मिल को सील कर दिया। वहीं जिलाधिकारी ने इस मामले में प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए सदर तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया है तथा एडीएम को तत्काल प्रभाव से छुट्टी पर भेज दिया गया है। एक तो खाना बहुत विलंब से दिया था, खाने में चावल की क्वालिटी बहुत खराब थी और पूरे लोगों को खाना लेके नहीं आया था। वो 70 लोग थे जिसमें 45 लोगों का ले आया था एक शिफ्ट में। उन्होंने कहा सेकंड शिफ्ट में हम ले आएंगे, पहला दिन उनका था। सर क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस पर? कार्रवाई किया, उसका जो खाना प्राइवेट संस्था को दिया गया था उसको निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। कोरोना से बचाव के लिए फिलहाल कोई